जिस शौक को पूरा करने अभी तक आप दुबई या अन्य यूरोपीय देशों में जाते थे, पर अब इस शौक को उज्जैन में ही पूरा किया जा सकेगा। दरअसल एमपी टूरिज्म बोर्ड का एडवेंचर्स डिपार्टमेंट एडवेंचर्स के दीवानों के लिए आसमान से हवा में छलांग लगाने का बेहतरीन मौका लेकर आया है। दरअसल एमपी टूरिज्म बोर्ड की एडवेंचर्स विंग उज्जैन में 4 दिवसीय स्काई डाइविंग कैंप आयोजित करने जा रही है। शनिवार को एमपी टूरिज्म की उज्जैन स्थित होटल शिप्रा रेजिडेंसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर उज्जैन में ट्रैफिक टीआई रह चुके एमपी टूरिज्म बोर्ड की एडवेंचर्स विंग के डिप्टी डायरेक्टर उमाकांत चौधरी ने इस संबंध में जानकारी दी। उनके मुताबिक वे लोग जो एडवेंचर्स के दीवाने हैं एवं खुले आसमान में परिंदों की तरह उड़ने का रोमांचक अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए ये शानदार मौका है क्योंकि देश के दिल मध्य प्रदेश में पहली बार स्काई डाइविंग का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक एडवेंचर्स के शौकीन लोगों को इसके लिए दुबई या यूरोपीय देशों में जाना पड़ता था, पर अब उज्जैन में ही एमपी टूरिज्म द्वारा पायोनियर फ्लाइंग अकेडमी अलीगढ़ के साथ मिलकर स्काई डाइविंग कैंप का आयोजन कर रहा है। यहां 3 से 6 मार्च तक 4 दिन कैंप लगाकर लोगों को स्काई डाइविंग का लुत्फ उठाने का मौका दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्हें 26,500 रुपये और GST फीस के रूप में देनी होगी। यही नहीं, स्काई डाइविंग के लिए प्रतिभागी का शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट रहने का सर्टिफिकेट भी जरूरी है। स्काई डाइविंग का लुत्फ लेने वाले टूरिज्म बोर्ड स्काई डाइविंग का इवेंट करने जा रहा है, जो कि एक्सट्रीम एडवेंचर का इवेंट है और मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसमें हमने 2 दिन भोपाल में रखा है और 4 दिन उज्जैन में इसको आयोजन हम लोग कर रहे हैं। 1 और 2 को भोपाल में इसका आयोजन होगा और 3 मार्च से लेकर 6 मार्च तक ये उज्जैन में आयोजित किया जाएगा और इसमें जो भी पार्टिसिपेंट आएंगे उनको पे करके ही वो इसमें भाग ले पाएंगे। और हरियाणा की एक कंपनी है जो ऑलरेडी पिछले 5 साल से वहाँ इस तरह के इवेंट कराती है, उसको ही यहाँ हम लोगों ने लाए हैं और बहुत ही सेफ तरीके से है और इसमें हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इसका पहले जाके निरीक्षण कर चुके हैं और जंप भी कर चुके हैं, तो सुरक्षा के सारे मार्गों को देखते हुए इसको हम लोग करा रहे हैं। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। जो 6 दिन की जो बुकिंग्स आई हैं कंपनी को, उसके हिसाब से इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। इसको आगे हम बढ़ाने के लिए भी विचार कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों से और एजेंसी की बात हो रही है, जैसे भी इसमें आगे होगा तो इसको और आगे बढ़ाएं। उद्देश्य यही है कि इस तरह के जो इवेंट हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित हों और मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन बने जो इवेंट के लिए जाना जाए कि इस तरह के एडवेंचरस एक्टिविटी जो हैं वो मध्य प्रदेश में आयोजित हों। इस तरह की स्काई डाइविंग मध्य प्रदेश में पहले आयोजित नहीं की गई है मेरी जानकारी के हिसाब से, लेकिन ये केवल अभी वर्तमान में जो है वो हरियाणा के नारनौल में ये आयोजित होती है और दूसरा डेस्टिनेशन हमने मध्य प्रदेश को बनाया है और कई ऐसे जो एडवेंचर लवर्स हैं जो इसको करना चाहते हैं वो इसके लिए कई बार दुबई भी जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके इसको करते हैं, तो उनके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि हम अपने देश में दूसरा डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश को इसके लिए बना रहे हैं। कंपनी की वेबसाइट जो आपको वो प्रेस नोट में दी गई है, उस वेबसाइट पे वो अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसको अनिवार्य रूप से लाना होता है, उसके बाद वो इसको जमा। कितनी फीस रखी गई है इसमें जो कंपनी के द्वारा 26,500 प्लस GST मतलब 31,200 कुछ रुपये की फीस है जो रखी गई है और 45 के करीब उनकी बुकिंग सभी हो चुकी हैं। जो ATC से जो स्लॉट इनको मिले हैं उसके हिसाब से अभी 6 दिन के लिए लगभग ये 90% इनकी बुकिंग हो चुकी है।